Hello everyone, this is Satyavan and welcome to YouTube channel English with Satya. इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस. टेंस में लास्ट वीडियो में हमने सिंस के बारे में पढ़ा था. सिंस प्रीपोजिशन होता है और कंजंक्शन का भी काम करता है. जब कंजंक्शन होता है तो उसके बारे में तो हम कंजंक्शन जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे. जब प्रीपोजिशन होता है तब तो उसका यूजेज कैसे होते हैं वो हमने पढ़ा था. तो उसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ और आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है. नंबर वन, ही डिड नॉट विजिट द कॉलेज सिंस ही रिटर्न्ड. सेकंड मैंने लिखा, I have got this car repaired twice since I have bought this. थर्ड मैंने लिखा, सिंस दिस कंपनी हैज बीन सेटअप It has produced two lakh products. Fourth, मैंने लिखा, I have waited here since the sun rose. Fifth, मैंने लिखा, since the movie has been released It has broken several records. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, इनको ट्राई कीजिए आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके. जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने सिंस का पढ़ा था उसी पे बेस्ड है, उसके बाद इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है. देखिए, हमने पढ़ा था कि सिंस जो होता है वो पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट तक लेके आता है. यानी प्रेजेंट उसका जो सेकेंडरी टाइम होता है वो होता है पास्ट के एक्शन को सेकेंडरी टाइम होता है टिल नाउ तक. टिल नाउ मीन्स प्रेजेंट तक, ठीक है. तो इसके साथ जो एक्शन लिखे होते हैं ना, सिंस के साथ जो एक्शन लिखा होता है, सिंस के बाद जो टाइम का पॉइंट लिखा होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है किसी एक्शन को हम टाइम का पॉइंट बना देते हैं, तो वो पास्ट का होता है. बस इसी पे बेस ये सारे कॉन्सेप्ट हैं. देखिए, पहला हमने लिखा, ही डिड नॉट विजिट द कॉलेज सिंस ही रिटर्न. यहाँ पे सिंस का यूज किया हमने. उसके बाद जो टाइम है वो पास्ट का होना चाहिए. अगर टाइम जो एक्शन लिखा गया है वो पास्ट का होना चाहिए. एक्शन भी हमने पढ़ा था कि कभी कभी क्या होता है एक्शन भी ना टाइम के पॉइंट्स को रेफर कर देते हैं, इवेंट्स जो होते हैं, तो वो पास्ट का होना चाहिए. पास्ट का हो तो उसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट इनडेफिनेट में, ठीक है. तो ये यहाँ पे पास्ट इनडेफिनेट में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है.
अब दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है। प्रेजेंट से मतलब जो उसके साथ दूसरा जो एक्शन लिखा होता है वो या तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। परफेक्ट में कब और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब, ये चीज़ें हम कोई 50 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आती हो या रिजल्ट दिया हो तब तो परफेक्ट में लिखेंगे, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा ही डिड नॉट विजिट द कॉलेज, ये हमने लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको हमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो स्टेटिव होती हैं, तो उनका ना कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती। दूसरी बात ये कि कुछ वर्ब जो है ना वो कंटिन्यूटी में नहीं शो कर सकते, जैसे कि कहीं पर पहुंचना, रीच। रीच वर्ब जो है इसमें टाइम टेकिंग नहीं है, ये मतलब हम इसको कंटिन्यूटी में शो नहीं कर सकते। जैसे मैं लिखूं आई एम गोइंग टू दिल्ली, और सेकंड में लिखूं आई एम रीचिंग टू दिल्ली। अब हमें बताएं कि एक बार आप भी बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। ये तो सही है, जो गो वर्ब है वो टाइम टेकिंग होती है, मैं यहाँ से निकला जब तक दिल्ली नहीं पहुँचूंगा। मान लीजिए मैं जयपुर में रहता हूँ और ये दिल्ली है, ये जयपुर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना वो गोइंग हो गया, बट जो जैसे ही पहुँचा दैट इज रीच, ये हो गया रीच। तो ये कोई टाइम टेकिंग नहीं है, ये कंटिन्यूटी में हम इसको शो नहीं करते, तो रीचिंग यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से जो विजिट वर्ब है ना इसको भी यूज नहीं कर सकते आईएनजी फॉर्म में, तो आईएनजी में नहीं कर सकते तो उसको हमें लिखना पड़ेगा परफेक्ट में। तो हमें दो बात याद रखनी है, एक तो कि जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आती हो आईएनजी में कब नहीं आएगी, या तो वो वर्ब क्या स्टेटिव होगी, स्टेट शो कर रही होगी, या फिर वो कंटिन्यूटी शो नहीं करती हो तब वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती। ठीक है, तो फिर हम उसको परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। एक और वर्ब भी होती है जैसे वॉक, हम लिखते हैं वॉक अप, जगना, तो उसको भी हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। वॉकिंग अप ऐसा थोड़ी है कोई आदमी जग रहा है टाइम ले रहा है, तो वो भी टाइम टेकिंग नहीं है, तो हम उसको आईएनजी में यूज नहीं करते। अगर ये बातें समझ में आ गई तो ये पता चल गया कि जो यहाँ पे लिखी हुई विजिट वर्ब जो है वो आईएनजी में यूज नहीं होगी, आईएनजी में यूज नहीं होगी, तो हमें इसको परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो परफेक्ट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही के साथ आ जाएगा, हैज नॉट विजिटेड द कॉलेज सिंस ही रिटर्न, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पे, इसमें भी हमने सिंस का यूज किया। सिंस के बाद हमें टाइम कौन सा यूज करना होता है, पास्ट का, यहाँ पे लिखा हुआ हैव, तो ये हो गया प्रेजेंट का, तो ये हो गया हमारा गलत। आई बॉट दिस पास्ट इंडेफिनेट हो गया, और ये लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हमारा सही है, वो वहाँ पे टाइम गलत था। अब आ जाते हैं थर्ड पे, यहाँ पे हमने सिंस यूज किया, सिंस के साथ हमें टाइम यूज कौन सा करना होता है, पास्ट का। पास्ट का टाइम यूज करते हैं तो लिखते हैं पास्ट इंडेफिनेट में, दिस कंपनी हैज़ बिन सेटअप, हैज़ बिन लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करना, तो इसको लिख देंगे पास्ट में, और हैज़ बिन की जगह क्या कर देंगे, वॉज सेटअप। वॉज सेटअप जो है ना यहाँ पे पैसिव वर्ब है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे डूअर हो नहीं सकती, तो किसी और ने सेटअप किया होगा, तो वॉज सेटअप यहाँ पे पैसिव वर्ब है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म होती है बात, और इसके साथ जो मेन क्लॉज लिखी हुई है उसमें टाइम लिखा हुआ है ये टाइम है प्रेजेंट का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, आई हैव वेटेड हियर सिंस द सन रोज, सिंस का हमने फिर से यूज किया, द सन रोज यहाँ पे क्या है, पास्ट का टाइम है, पास्ट इंडेफिनेट लिखा हुआ सही है। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, हिसाब से तो जब तक हमने अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से ये सही होना चाहिए, बट हमने जो करेक्टली ये पढ़ा है कि जब वर्ब
आईएनजी फॉर्म में ना आती हो या रिजल्ट दिया हो तभी हम परफेक्ट में यूज करते हैं, अदरवाइज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये वर्ब जो लिखी हुई वेट, ये आईएनजी में आ सकती है और यहाँ पे कोई रिजल्ट भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमको इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही लिखना पड़ेगा। आई हैव बीन वेटिंग, ये हो गलत, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस द सन रोज। तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट में लिखा हो तो वो सही हो जाएगा, सिंस के साथ हमें, स्पेशली सिंस के साथ, फॉर के साथ तब भी सही हो सकता है, फॉर के साथ सही हो जाएगा और वो कंप्लीशन जो है वो टाइम का हो जाएगा, बट सिंस के साथ टाइम का पॉइंट लिखा हुआ था उसका कंप्लीशन हो नहीं सकता, तो हमें सिंस के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही लिखना पड़ेगा अगर वह बाई एनजी फॉर्म में आती हो और रिजल्ट नहीं दिया हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने सिंस का यूज किया, सिंस द मूवी हैज़ बीन रिलीज, इसके साथ भी हमने क्या कर दिया, टाइम के प्रेजेंट का टाइम यूज कर लिया, तो ये भी गलत हो गया। सिंस द मूवी रिलीज इट हैज़ ब्रोकन सर्वल रिकॉर्ड्स। अब हम यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हमने पढ़ा कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती हो और रिजल्ट नहीं दिया हो तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वल रिकॉर्ड्स है ना, ये भी एक रिजल्ट ही है, तो हम इसको परफेक्ट में ही लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझ आया होगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती हो और रिजल्ट ना दिया हो तो सिंस के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही यूज करते हैं, सिर्फ दो केस में परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और वो दोनों केस हमने पढ़ लिए। तो इसको अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि कुछ एक्शन, अगर एक्शंस कोई है उसको हम सिंस के साथ एज ए टाइम यूज कर रहे हैं, ऐसे एक्शंस जिनको सिंस के साथ हम टाइम एज ए टाइम के पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ पास्ट इंडेफिनेट टेंस लिखना मस्ट है, ठीक है। और जो सेकंड एक्शन होगा उसको या तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। कब परफेक्ट में, कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये चीज़ें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ। वैसे ये याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एन एक्शन इज यूज्ड एज पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई एक्शन टाइम के पॉइंट की तरह यूज की जाती है तो इट मस्ट बी इन पास्ट इनडेफिनेट, ठीक है। जो सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम विद सिंस लिख लेना, विद सिंस, जब कोई एक्शन टाइम सिंस के साथ टाइम के पॉइंट की तरह यूज की जाती है तो ये पास्ट इंडेफिनेट में होनी चाहिए। एंड द अदर एक्शन जो है ना, एंड द अदर एक्शन शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड द अदर एक्शन शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जिस जो सिंस के साथ लिखी हुई है पास्ट इंडेफिनेट में, जो अदर है वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इसके साथ भी टेंस लिख देना, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में और ये प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होनी चाहिए। कब परफेक्ट में होगी, कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगी, ये चीज़ें हम कोई 50 बार पढ़ चुके हैं। तो ये बातें अगर समझ आ गई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं।
एक बार में समझ नहीं आए ना तो दोबारा वीडियो देख ले सकते हैं आप, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने लिखा आई वॉच्ड टीवी व्हेन दे नॉक्ड ऑन द डोर। दूसरा एग्जांपल, I returned home when it rained heavily. Third, a car hit the man when he crossed the road. देखिए, हमने पढ़ा था कि सिंस के साथ जो लिखे हुए टाइम के एक्शंस हैं, सिंस के साथ जो एक्शन लिखे हुए हैं या इवेंट्स लिखे हुए हैं वो टाइम के पॉइंट को रेफर करते हैं। इसी तरह से ये जो हमने वर्ड यूज किया व्हेन, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, आफ्टर और भी बहुत सारे होते हैं। ये सब जो वर्ड्स हैं ना, इन ये कंजंक्शन होते हैं और इनके साथ जो एक्शन लिखे होते हैं वो भी टाइम के पॉइंट्स को ही रेफर करते हैं। ठीक है, इन सब वर्ड्स के एक सौ ये कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ जो लिखे हुए एक्शंस हैं या इवेंट्स हैं वो भी टाइम के पॉइंट को ही रेफर करते हैं, जैसे कि सिंस के साथ लिखे होते हैं वो जो जैसे टाइम के पॉइंट को रेफर करते हैं वैसे यहाँ पर भी होता है। एक दूसरी चीज़ और, टाइम के जो पॉइंट्स होते हैं, टाइम जो होता है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट में और एक ड्यूरेशन में। इसी तरह से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक्शन जो होते हैं वो एक तो क्विक एक्शन होते हैं जैसे रीच, वॉक अप, तो ये सब विदाउट टाइम टेकिंग होते हैं। एक्शन जो है ना वो भी एक तो होता है क्विक, एक होते हैं टाइम टेकिंग। जो क्विक एक्शन होते हैं वो टाइम के पॉइंट को रेफर करते हैं और जो टाइम टेकिंग होते हैं वो ड्यूरेशन को रेफर करते हैं। ये चीज़ और हमें समझनी है, टाइम को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट में, ड्यूरेशन में, ये हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्शन जो होते हैं ना, कुछ एक्शन क्विक होते हैं, कुछ एक्शन टाइम टेकिंग होते हैं। तो क्विक एक्शन होते हैं वो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करते हैं और जो टाइम टेकिंग होते हैं वो टाइम के ड्यूरेशन को रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो हम यहाँ समझते हैं। देखो, दे नॉक ऑन द डोर, नॉक करना क्या क्विक एक्शन है या टाइम टेकिंग? क्विक एक्शन है, क्विक एक्शन है, तो ये क्या है? टाइम का पॉइंट, टाइम का पॉइंट है, पास्ट का पॉइंट है। तो जैसे ये लिखा हुआ है ही दे नॉक्ड ऑन द डोर, यानी पास्ट में किसी टाइम पे उन्होंने डोर पे नॉक किया। पॉइंट सिंस के साथ पास्ट का पॉइंट लिखा होता है, दे यहाँ पे क्या वेन के साथ पास्ट का पॉइंट लिखा, मान लीजिए ये पास्ट है, इसके बाद प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है, ये पूरा पास्ट है। पास्ट में कोई कल ही का दिन मान लेते हैं, ये पूरा दिन यस्टरडे, ये कल का दिन है, पास्ट का में यस्टरडे के 24 आवर। मान लो किसी पॉइंट पे वो कल आए और यस्टरडे चल रहा था, उसमें किस कितने बजे, कोई मान लो दो दिन के 2:15 25 सेकंड पे उन्होंने डोर पे नॉक किया,
ये टाइम का पॉइंट है। उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, आई वॉच टीवी। टीवी, अब हमने जो यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है ना, हमने पढ़ा है कि जो एक्शंस टाइम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वैलिड है, ना उससे पहले ना उससे बाद, सिर्फ उस पॉइंट पे वैलिड है, तो हम उनको कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमने यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, परफेक्ट में। अगर इसके बाद ये ना लिखा होता ना, तो ये फैक्ट मान लेते और ये सही हो जाता। बट इसके साथ जो टाइम लिखा है ना, इसकी वजह से हमें इसको कंटिन्यूअस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जब नॉक पे डोर हुआ उसी टाइम के लिए ही वैलिड एक्शन है, तो उसके लिए हमें इसमें इसको कंटिन्यूअस में लिखना पड़ेगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो ये अब हमारा सही हो गया। ये पूरा यस्टरडे था, इसमें किसी, ये तो हमने अज्यूम किया है क्योंकि ये टाइम जो ले पास्ट का लिखा हुआ है, कभी कभी भी हो सकता है, पास्ट के कोई भी पॉइंट पे उन्होंने नोक किया उस टाइम के लिए वैलिड एक्शन को प्रेजेंट, सॉरी, उस टाइम के वैलिड एक्शन को कंटिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा। ये पास्ट का है तो ये पास्ट है कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद सेकेंड, आई रिटर्न होम व्हेन इट रेंड हैविली। देखिए, इसके बाद व्हेन के साथ भी हमने फिर से टाइम का पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये जो है ये टाइम टेकिंग है या फिर क्विक एक्शन है, ये भी टाइम टेकिंग है। ये तो था क्विक एक्शन, ये टाइम टेकिंग, तो ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, जो पास्ट में नॉक करना तो एक टाइम का पॉइंट हो गया, ये सिर्फ हमने बोल दिया टाइम का पॉइंट है, बट जो रेन जो है, मान बारिश होना क्या टाइम का पॉइंट हो सकता है? नहीं, वो एक ड्यूरेशन जरूर लेगा, कुछ टाइम के लिए बारिश हुई होगी। तो मान लीजिए यहाँ से बारिश स्टार्ट हुई, इतनी हो चुकी है, जब घर पहुँचे तब ये टाइम चल रहा था, उसके बाद भी बारिश होनी है, ये टाइम क्या है? आई रिटर्न होम, जब मैं घर पहुँचा उस पॉइंट पे बारिश हो रही थी, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट एक्शन, ये इनकम्प्लीट एक्शन है। वो क्या था? वो किसी टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड एक्शन था, उस ना उससे पहले ना उसके बाद, तो ये इनकम्प्लीट एक्शन है। इनकम्प्लीट एक्शन को हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, या पास्ट कंटिन्यूअस में, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बेसिकली कंटिन्यूअस में लिखते हैं। तो ये क्या है? पास्ट का एक्शन है, तो इसको लिखना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इतना अगर ये टाइम दिया होता, एक बात और बताता हूँ कि ये अगर टाइम दिया होता, मान लो आधा घंटा से बारिश हो रही, तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना पड़ता, बट ये टाइम इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमें पहले बाद का नहीं लेना देना, हमें टेम्परेरी एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाना है उस टाइम के लिए, तो हमें लिखना पड़ेगा इट वॉज रेनिंग। ये रेन गलत हो गया, वॉज रेनिंग। हमें इसमें भी कोई रूल लगाने की जरूरत है नहीं, सिंपली लॉजिक से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल, ए कार हिट द मैन व्हेन ही क्रॉस द रोड। फिर टाइम लिखा, वैन के साथ एक्शन लिखा हुआ है, रोड क्रॉस करना, मान लीजिए ये रोड है, इसको क्रॉस करना टाइम टेकिंग एक्शन है या क्विक एक्शन है? थोड़ा सा तो टाइम लगता है ये, तो ये क्विक एक्शन नहीं है, ये टाइम टेकिंग एक्शन है। तो ये टाइम टेकिंग एक्शन है, जब कार उसको हिट करी तो वो रोड हो सकता है थोड़ी सी क्रॉस कर गया हो, बाकी पड़ी हो, बाकी बची हुई रोड हो, उसको क्रॉस करना बाकी है, थोड़ी उसने क्रॉस कर ली है, तो जब उसको हिट किया उसके उस टाइम पे, वो कुछ रोड तो क्रॉस कर चुका था, बाकी 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 क्रॉस करना बाकी था ना, तो ये भी इनकम्प्लीट एक्शन हो गया। इनकम्प्लीट एक्शन हो गया, तो इसको भी किस में लिखना पड़ेगा? कंटिन्यूअस में। ये पास्ट का है, तो ही वॉज क्रॉसिंग, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर इसको ये लिख दूं, ए कार हिट द मैन व्हेन ही टर्न्ड अराउंड। ये वैन के साथ लिखा हुआ फिर से टाइम का एक्शन, ये एक्शन है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ये था टाइम टेकिंग, ये एक्शन था टाइम टेकिंग, क्या ये भी टाइम टेकिंग है?
ये टाइम टेकिंग नहीं है, मुड़ना कोई टाइम टेकिंग नहीं है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तब भी सही है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वेन ही वॉज टर्निंग अराउंड, ठीक है। तो ये सिंपली लॉजिक्स हैं, इसमें कोई रूल है नहीं जो कि हम समझ पाएँ। तो अगर कॉमन सेंस हमारा अच्छा है और उससे हम इंग्लिश को सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।